लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमने जो एडिट किया था वो ये था कि बेसिक ऑफ द पीएलसी मतलब कि मोटर है उसको अगर मुझे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करूँगा, और दूसरा उसको रिसेट करना है मतलब मोटर ऑन ऑफ करनी है, वो सब बेसिक किया था, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद क्या है ये नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें से थोड़ा सा एडवांस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और अभी आप चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इससे आगे के जो सारे वीडियोज हैं वो पीएलसी से रिलेटेड आने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, अभी X0 एक स्टार्ट पुश बटन है, इससे मैंने एक सेट करा था, सेट और लैच। सेट और लैच का मतलब ये होता है जैसे मैंने एक बार मेरा इनपुट आएगा, इनपुट X0 हाई होगा तो ये सेट हो जाएगा, मतलब ये M0 हाई हो जाएगा और ये हाई रहेगा कंटिन्यू जब तक कि मैं इसको रिसेट नहीं कर देता, ठीक है। तो अभी क्या है मैंने क्या किया हुआ है, रिसेट RST, रिसेट की कमांड जो होती है RST, भी आउटपुट है वो सारे के सारे रिसेट हो जाएं, ठीक है। तो ये रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे ZRST की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इसमें सिर्फ एक बिट को रिसेट सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक पीएलसी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे प्रोग्राम यूज़ हैं, ठीक है। तो मेरा जैसे मैंने ये एक बारी एड्रेस जो होता है इनपुट आउटपुट जो होता है एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। चलिए तो अभी इसमें क्या है, इसको फिर यहाँ पे जाएंगे। ये जो होता है ये नॉर्मल रीड मोड होता है, ये राइट मोड होता है और ये मॉनिटर मोड होता है। और जब मेरी पीएलसी ऑनलाइन होती है तो राइट एंड मॉनिटर एंड राइट दोनों मोड एक साथ ओपन कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मतलब प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन लेके और उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं, और वो कंटिन्यू मोटर चलती रहती है। और उसके बाद फिर हम स्टॉप वाला पुश बटन करते हैं, प्रेस करते हैं तो वो रिसेट हो जाता है। तो अभी जो ये बेसिक है ये सिंपल है डीओल का। अभी अगर मुझे यहाँ पे कमांड डालना है ड्यूल के लिए, ठीक है, सॉरी स्टार डेल्टा के लिए,
तो मैं कैसे काम करूंगा, मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मेरा पहला वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है हम इसको कैसे करेंगे। तो इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे ही एम जीरो है मुझे करना क्या है, पहले पहले ये ऑन था, उसके बाद ये ऑन हो गया। अगर फिर से देखते हैं HMI का, HMI के साथ इंटीग्रेशन और HMI से इनपुट आउटपुट हाई कराना, वो सब पूरा सिमुलेशन सीखेंगे। ठीक है, कैसे हम यहाँ से एक इनपुट हाई करके HMI पर लैंप ऑन कर सकते हैं, ट्रेंड दिखा सकते हैं, एरर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने भी कई सारे फंक्शंस होते हैं वो सब। ठीक है, और HMI का भी पूरा का पूरा कम्प्लीटली ऊपर ही सीखेंगे हम इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो इसके बाद क्या है, एक्चुअली मैंने एक बनाया था, हम जो प्लानिंग कर रहे थे वो ये था कि एक सेकेंड, ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम। ठीक है, पीएलसी का बेस टैंक फिलिंग सिस्टम, ठीक है, थैंक यू। बेसिक बेसिक कैसे होता है। ठीक है,
साइकिल स्टार्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा और यहां से स्टॉप कर दूंगा। लॉजिक बनाते हैं हम M0 से। वन साइड एलईडी, ठीक है। मंडी सेट नहीं करेंगे हम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसमें, ठीक है। सेम इंस्ट्रक्शन आ जाएगी मेरी यहाँ पे,
बताता हूँ कि ये इसमें क्या किया है, कैसे क्या किया है, कैसे किया है और कैसे काम कर रहा है। फोर्थ लाइट चल रही है मतलब जिस साइड का इंडिकेटर ऑन होगा उस साइड के लिए लोग चले जाएंगे। ठीक है, टोटल चार साइड होती हैं, चार में से जिस साइड का भी ऑन होगा उस साइड के लिए चले जाएंगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है, मैंने के की वैल्यू ली हुई है। ठीक है, अगर मैं के 100 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ कोई डी की वैल्यू, अगर मैं के 100 की जगह कोई डेटा रजिस्टर की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ तो वो फिर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी इसमें क्या है, यहाँ पे अगर मैं प्रोग्राम को इसको प्रीसेट भी कर देता हूँ बट ये रुकेगा नहीं अभी।
मैं पुश बटन लिया और ये मैंने रिसेट करा दिया, एक बिट सेट करा दी साइकिल स्टार्ट की, मतलब जब भी ये जब तक ये ऑन रहेगी तब तक ये हमारा लॉजिक जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने रिसेट करा दिया स्टॉप पुश बटन से, रिसेट करा दिया M0 और जो डी डाटा रजिस्टर की वैल्यू है उसको 0 मूव करा दिया। अब M0 की साइकिल स्टार्ट से, अब देखो यहाँ से करते हैं हम लॉजिक पे बात, ठीक है। M0 की जो वैल्यू है, जैसे M0 हाई होगा, मैंने क्या किया, एक डेटा रजिस्टर लिया D0 में एक मूव करा दिया। अब जब तक एक मूव रहेगा तब तक क्या है, मेरी वन साइड चलेगी, जब इसमें दो मूव हो जाएगा डेटा रजिस्टर में तो दूसरी साइड चलेगी, तीन मूव हो जाएगा तो तीसरी चलेगी, चार मूव हो जाएगा तो फोर्थ साइड चलेगी, ठीक है। ये मैंने आउटपुट लगा दिया, मतलब ये आउटपुट हाई करा दें डेटा रजिस्टर की वैल्यू में, ये मैंने इंस्ट्रक्शन लगा दिया इक्वल टू, मतलब इसमें हम इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखते हैं इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब या तो मैं लिखूंगा कि K1 जो है, K1 की वैल्यू मतलब एक जो है, K1 का मतलब होता है एक, और D0 मतलब डेटा रजिस्टर में जब तक एक रहेगा तब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी, जब डेटा रजिस्टर में 2 आ जाएगा तब ये ट्रू रहेगी, 3 आ जाएगा 3 रहेगी तब ये ट्रू रहेगी, 4 आ जाएगा तब ये ट्रू रहेगी। अब मैंने क्या किया है, जैसे ही 1 आता है, 1 आने पे एक टाइमर ऑन कर दिया, ठीक है। जैसे ही मतलब साइकिल स्टार्ट का कुछ बटन आया, M0 आया, एक टाइमर ऑन हो गया, उस टाइम सॉरी इसमें 1 मूव हो गया, जब इसमें 1 मूव है तो मैंने क्या किया, टाइमर ऑन कर दिया के T0 का, ठीक है। T0 का जैसे टाइमर है, उस टाइमर से मैंने क्या किया है, जैसे इस टाइमर की डन बिट आएगी तो मैंने इसमें 2 मूव करा दिया, ऐसी सेम मैंने दूसरे टाइमर पर दूसरे D2 पे लगा रखा है, सेम D3 पे, सेम D4 पे, सेम D5 पे, ठीक है, इस तरीके से मैंने लगा रखा है। एक तो क्या ये, अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर हो जाता है तो K100 को मुझे रिप्लेस करना है D10 से, D10 से अगर हो जाता है तो मैंने देखा नहीं है कुछ भी, मैं कर रहा हूँ, बट इस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी, इस केस में प्रॉब्लम ये आएगी, मैं D10 में वैल्यू मूव कैसे करूँगा D0 में। अच्छा चलो D0 में आ गया, मैंने क्या किया, D0 में ले लिया 50, चलो 50 तो ले लिया। अब मुझे क्या करना है, साइकिल स्टार्ट, तो ये D10 जो है इसमें चला जाएगा, और चला जाने के बाद ये उतना ही सेकंड चलेगा जितना मैंने D10 की वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। हम उस टाइम को ज़्यादा कर सकते हैं, चलिए D10 में 0 आ रहा है, इसको कर देता हूँ 50, ठीक है। वो क्या नहीं, D0 की जगह D5 लेना, सेम थिंग रिप्लेस ऑल करूंगा, पूरे में जहां भी D0 है वहां पे D5 आ जाएगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा लॉजिक सेम टू सेम काम करेगा, ठीक है। बस अभी इसको एक बार राइट कर देता हूँ, राइट करके इसको रन करते हैं, तो ये भी समझ आया।
और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी या क्वेश्चन कोई टॉपिक है ऐसा जिस पर आप चाहते हो कि अपना उसको सॉल्व करके दिया जाए या उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए तो बिल्कुल मैं कमेंट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, अगर किसी को पूरा का पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए रिलेटेड टू पीएलसी एंड रिलेटेड टू वीएफडी एचएमआई एबीबी रोबोट की वैल्यू जो डी फाइव रिप्लेस किया है डी जीरो से, तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लॉजिक मेरा पूरा का पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। ये इस तरह के जो मैंने बताया है ना कि ये जो था, सॉरी तो ये जो था ये था रोड